आज मैं आपको बता दूं कि आज मैं कोई लोकेशन पर नहीं गया हूँ और काफ़ी ज़्यादा अपसेट हूँ। और मैंने आज सभी के घर वालों को यहाँ बुला रखा, क्योंकि घर मेरा थोड़ा छोटा है और ये मेरे घर के सामने एक पार्क है जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ सम्राट भाई के साथ। तो अभी सब आधे से एक घंटे में सब यहाँ आएंगे। और मैं आपको बता दूँ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना भी देना चाहता हूँ अजय भाई से रिलेटिव। दोस्तों, सबसे पहली बात तो आपको ये बता दें कि कानपुर से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर एक गांव है बिलासपुर। इस गांव में एक ऐसी बात फैली हुई है, किन्नर से रिलेटेड ही वो बात है। और वो बात बताने से पहले मैं तो चाहूँगा कि भाई आप, मैं एक क्लिप प्ले कर रहा हूँ, इसको आप देख लो, क्योंकि उस बात को कई सारे न्यूज़ चैनल्स वालों ने अपने चैनल में कवर किया है और दिखाया भी है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अजय भाई के साथ भी जो हुआ है वो इसी से इंक्लूड है। सबसे पहले आप ये क्लिप देखो। मेरे साथ में अन्याय हो रहा सर, यही कि मेरा दिन लगी खराब कर दिया चांतारा ने किन्नर, बस। और मेरे पास में कोई अलावा नहीं बचा है, हम अपना यहाँ क्यूल छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहते। क्या नाम से आप? पहले मेरा कुंदन कुमार और गुंजा में नाम हिजराम नाम रखा गया गुंजा किन्नर। अच्छा, कौन ले गया था आपको? चांतारा किन्नर। कहाँ ले जाके वो? कहाँ, उसके साथ में यार किन्नर लोग थे साथ में, सब मिलके हमको ले गए। उतना याद नहीं है सर, आर हम नहीं बोल सकते। जब हमको जिन लगी भी बर्बाद किया तब हम खा कमा सकते, तब उसमें हमको जो लोग, पहले हम लड़का थे, नॉर्मल थे हम लोग, नॉर्मल थे। इसका नाम रुपेश, मेरा नाम कुंदन, इसका नाम पूजा किन्नर में, मेरा नाम गुंजा रखा गया। हाँ, बहुत कमा कर दिए उसको, बहुत गुंडा पाल रखा, अजिया के घर से निकले। हाँ, इसका ये धंधा हो गया, सबके अथी करवाता है ऑपरेशन। अच्छा, कितना लोग होगा अभी इसके कारण? अभी 5-6 जन, 3-4 गो है उसके पास। इस तरह से पूरे बिहार देश में ही करता। हाँ, कितना की बर्बाद कर दिया। ये जो लड़का से मतलब किन्नर बनाने का, मतलब आप ही दोनों हैं या और भी लोग हैं जिसको की लड़का से किन्नर बनाया है? जैसे है ना, बताइए आप। हम दोनों का किन्नर बनाया, हम लोग तो अपना खाना खोजेंगे ना सर, हम लोग का जिंदगी बर्बाद कर दिया, मेरा बाप मेरा हादसा मर गया। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अजय भाई के साथ जो भी कांड हुआ है, जो भी हो रहा है भाई, वो इन्हीं लोगों से संबंधित है। क्योंकि उस गांव में पहले से ही ये बात फैली हुई थी और वो जो जंगल है ऑब्वियसली लगभग 20 से 25 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और कई सारे उसमें खंडर भी हैं और कई सारे न्यूज एंकरों ने उसको कवर भी किया। लेकिन अब एक बात ये नहीं समझ में आ रही कि आखिरकार वो ऐसा करेंगे तो क्यों करेंगे भाई? विक्की, समझना बात को, समझना है ना। अगर वो लोग ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई देखो, जितना भी बड़े बड़े शहर है, आपको भी पता है, आप लोगों ने भी न्यूज़ में, मूवीज़ में पहले ऑलरेडी देख रखा है कि ये जो किन्नर का जो वर्क होता है ना, इनका काम ज़्यादातर मांगने का होता है ना, मतलब कि मोटा जो वर्क होता है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, जो क्लिप को देखने के बाद पता चल रहा है, जो हम लोगों को समझ में आ रहा है कि ये लोग क्या करते हैं कि कुछ लड़कों को पकड़ लेते हैं, जो नौजवान लड़के होते हैं उनको, 19 से 25 साल की एज के बीच वाले लड़कों को पकड़ करके उनको कैद करते हैं और उनको भी कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करते हैं। और इन्वॉल्व कोई भी हो तभी कर पाएगा जब वो उनके जैसा बनेगा। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ऐसा ही मुझको ये डाउट हो रहा है कि अजय भाई के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपने क्लिप में देख ही लिया। तो बिल्कुल ऐसे ही हम लोग आज सुबह लगभग 11-12 बजे के बीच में विक्की भाई का मेरे पास कॉल आता है कि सम्राट भाई फटाक से आओ, अर्जेंट एक वर्क है। मेरे पास अननोन नंबर से काफ़ी कॉल आ रही थी, इससे पहले भी आपने एक वीडियो देखी थी कि मेरे पास कॉल आई थी, लोकेशन भेजी उसने मेरे पास, तो काफ़ी सारे मेरे पास अननोन नंबर से कॉल आ रही थी, काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे। हाँ। और काफ़ी सारी वीडियो आ रही थी जिनमें से मैंने एक वीडियो क्लिप जो मैंने सम्राट भाई को दिखाई। तो दोस्तों, ऐसा विक्की भाई ने मुझे एक ऐसा सबूत बताया, एक चीज़ ऐसी विक्की भाई ने मुझे बता दी भाई, जिसको सुन करके मैं काफ़ी ज़्यादा दंग रह गया। और कहीं ना कहीं आपको भी जब वो बात पता चलेगी ना, तो आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे भाई, और आपको कहीं ना कहीं एक खुशी भी जाहिर होगी कि अच्छा ऐसा हो गया क्या। तो भाई वही मैं बताना चाहता हूँ, ये जो गिरोह है, हाँ, ये काफी ज्यादा खतरनाक है। हाँ, और इसमें जितने भी लोग हैं ये सब साइको हैं, सारे के सारे साइको ही हैं एक प्रकार से। तो इन लोगों ने जो वो सबूत दिया, सबसे पहले तो मैं यही चाहूंगा भाई यार कि विक्की भाई उसको प्ले कर दिया जाए ना। तो सबसे पहले आप इस क्लिप को देखो और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ आगे क्या।
जब मैंने उसको प्ले करा था, प्ले करके देखा था, तो मैं हैरान हो गया था कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी लोग कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो पूरी गैंग है एक तरीके से साइको है। मैं पहले बता दूं कि किन्नर का कोई धर्म नहीं होता, सबसे बड़ी बात ये। और दूसरी बात ये है कि ये कम उम्र के लड़कों को शिकार बनाते अपने, जैसे 18, 19, 22 और 25 इसके बाद के इसके बंदों को ये लोग नहीं छूते। और ये लोग एक तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं, अपनी संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि छोटे बच्चों को देखा, उनको बहलाया फुसलाया, और फिर आपने तो देखा ही कि वो वीडियो देखने के बाद जो मैंने देखा कि बहलाया फुसलाया उनके, उनको फिर ले गए। अगर वो राजी हुए, उनके साथ जोर जबरदस्ती करी गई, अगर वो राजी हुए तो ठीक, नहीं तो जान से मार देते उनको। तो आपने इस क्लिप में तो देख ही लिया कि अजय भाई के साथ क्या क्या हो रखा है, और इस क्लिप में कहीं ना कहीं मुझे ब्रेड के कुछ टुकड़े भी दिख रहे हैं। मतलब साफ है कि भी अजय भाई जिंदा है, उनको वहाँ पर खाने को भी दिया जा रहा है। कुछ ये भी इशू है कि वो लोग रखते हैं अपने पास बांध के, उनको खाना देना पीना देना जब तक वो हाथ हकार के टूट ना जाए और वो चीज़ अपनाने के लिए तैयार ना हो जाए तब तक, मतलब एक तरीके से इतनी बुरी हालत कर दी जाती, इतनी बुरी हालत कर दी जाती कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो दोस्तों, हम लोगों ने जब से विक्की भाई ने मुझे बुलाया उसके बाद से मैंने भी कई बार इस क्लिप को देखा, अजय भाई की इस वीडियो को देखा, कम से कम 20-25 बार हम लोग अब तक देख ही चुके होंगे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस जगह पर मैं और विक्की भाई जा चुके हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। और ये भी हो सकता है कि भाई
ये ना हो, मुझे डाउट है कि ये लोकेशन, हाँ कि ये लोकेशन वही वाली है या फिर नहीं। तो अब इसके बाद का क्या सीन है भाई, हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए इस वीडियो को देख करके, और कहीं ना कहीं मुझे एक तरह से अंदर से ये भी फीलिंग आ रहा है कि भाई चलो अजय भाई अभी तक सेफ है। ये वीडियो देखा है तो मुझे ये वीडियो देखने के बाद ये लगता है कि उस किन्नर को कहीं ना कहीं एक डर सा बैठ गया है कि कहीं वो पकड़ ना जाए, क्योंकि सोशल मीडिया में ये बात बिल्कुल हवा की तरीके फैल चुकी है। हवा की तरीके फैलने का मतलब ये है कि उसके अंदर इतना ज़्यादा डर बस गया। बहुत एक तरीका होता है, अब इस तरीके से आप कर सकते हो कि मान लो अगर आप एक हवन कर दिए है ना, और उस हवन करने के बाद जो खाना है वो ले जाकर के अगर आप किन्नर को खिला दोगे तो हो सकता है कि किन्नर के जो देवी देवता होते हैं वो प्रसन्न हो जाए, और वो हाँ देवी और वो किन्नर भी प्रसन्न हो जाए और हमारे अजय भाई को सही सलामत छोड़ दे। तो बस हम और विक्की भाई यही चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपने जो अभी जो अजय भाई जो क्लिप देखी उसके बाद अब हम लोग इस क्लिप को पुलिस थाने में जाकर के देने वाले हैं और कोशिश यही करेंगे कि पूरा स्टाफ उस वीडियो क्लिप को भी देंगे, जिस क्लिप को आपने भी यहाँ साइड में देखा चलते हुए। क्योंकि हमारा मेन मकसद यही है भाई कि अब जल्द से जल्द लोग वहाँ से होके आ गए भाई, वीडियो लेकिन हाँ लेकिन वीडियो बनाने के लिए वहाँ पर मना कर रहे हैं अभी। और अजय भाई के घर वाले और विक्की भाई घर वाले सब लोग वहीं पे हैं अंदर हैं, और अभी फिर से हम लोग जा रहे हैं बस कल अपडेट देने के लिए। हम लोग यहाँ पर आ गए क्योंकि वहाँ पर कैमरा हम लोग लेके गए थे, लेकिन वहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं, अंदर अलाउ ही नहीं है बोल रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर आन करवाई बोल दिया। आ जाओ फिर चलते हैं हम लोग, है ना। चलो तुम यहीं पर आओ, चाहे चले आओ, चलो वो आया दे आए हम लोग। हम लोग थाने से होकर के आ चुके हैं, आप लोगों ने पहले भी देखा कि हम लोग थाने जाने वाले थे। अब सबसे बड़ी बात यार कि हम लोग वहाँ तक तो गए, हम और विक्की और भी कई साथ के लोग थे, तो उनको सब यार हम लोग कैमरा ऑन करके गए थे तो हम लोगों को अंदर जाने नहीं दिया गया। और कमिश्नर से तब तक कैमरे लेके अंदर नहीं जा सकते, उन्होंने हमें ये समझाया काफ़ी प्यार से कि बेटा ये सही नहीं है। कोई बात तो थोड़ी बहुत जो बाहर की जो क्लिप होगी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी।